हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मुस्कान टेलर एंड संजू भाई आज आपको बताने वाला हूँ ब्लाउज है ये लहंगा वाला, इसमें हम पैड कैसे डालें। दोस्तों वैसे तो ब्लाउज को यानी कि काट के और यानी कि तब डाला जाता है जो निशान में लगाया है, ऐसे ऐसे काट दिया जाता है तब लगाया जाता है। लेकिन मैं आपको आज ऐसा तरीका बताऊँगा जिससे आपको ब्लाउज काटना नहीं पड़ेगा और पैड अच्छी तरह से पड़ जाएंगे। दोस्तों प्लेट डाल लेते हैं, जैसे हम सादा ब्लाउज में डालते हैं वैसे ही अस्तर में प्लेट डाल ली हमने, ऐसे ही इस साइड भी प्लेट डालते हैं। दोस्तों हमें सारी प्लेटें नहीं डालनी है, सिर्फ ये एक एक प्लेट बेल्ट में डालनी है, देख सकते हैं ऐसे ही डालनी है जैसे हम किसी भी सादा ब्लाउज में डालते हैं। अभी दोस्तों ये लहंगा वाला ब्लाउज है, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कटिंग कैसे करें। तो दोस्तों प्लेट डालने के बाद हम ऐसे हो गए, ऐसे ही एक प्लेट यहाँ पर डालते हैं जो आमतौर पर सभी ब्लाउजों में डाली जाती है, वही प्लेट हम इसमें डालते हैं। डाल के आपको दिखाते हैं, ऐसे इस साइड भी डालते हैं प्लेट। दोस्तों लहंगा वाला ब्लाउज है, कढ़ाई इतनी थी कि हमें आने की काटना सही नहीं लगा, इसलिए हमने आपको ये नया तरीका शेयर किया। दोस्तों इस हिसाब से हमारा अब ये हिस्सा ऐसा हो गया। अभी दोस्तों जैसे प्लेट डालते हैं तो उसके बीचा बीच में यानी कि जो केंद्र है वहाँ पे ये पैड हम रख लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक का ये यहाँ पे 9, 8.5 से 9 तक होनी चाहिए, ऐसे यहाँ पे भी नाप लेते हैं 8.5 से 9। एक ब्लस्त नाप लें, लगभग 8.5-9 इंच का ब्लस्त होता है, वैसे हम इंची टेप से भी नाप सकते हैं दोस्तों। और ये दोनों यानी कि दूरी भी बराबर रहे, वैसे करके हम इसमें चाक से निशान लगा लेते हैं जिससे कि हमारा पैड इधर उधर हिले लेकिन निशान की वजह से हम सही से लगा सकें इसे। दोस्तों वीडियो को पूरा देखें और अंत तक देखें तभी आपको समझ में आएगा, बहुत अच्छी तरीके से हमने आपको सिखाने की कोशिश की है, बस आप इसे देखते रहिए और सीखते रहिए। दोस्तों ऐसे करके इसमें निशान लगा लिया, अब ये हटा लेते हैं क्योंकि अभी इसमें हम सिलाई लगाएंगे। ये हिस्सा है अंदर, कपड़ा थोड़ा अंदर हाथों की सहायता से अंदर को दबा दिया कपड़ा, ऐसे करके बिल्कुल इसमें मिला देंगे। अब इस पर हम सिलाई लगाते हैं, ऐसे ही हम चारों तरफ सिलाई इस पर लगा लेंगे। दोस्तों अगर आप हमारा वीडियो नया देख रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि और भी अच्छे अच्छे वीडियो आपको मिलते रहें, और बेल आइकन दबाएं यानी घंटे का निशान ज़रूर दबाएं जिससे हमारे और भी लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकें। ऐसे करके दोस्तों हम सिलाई लगा लेते हैं। दोस्तों ये हमारा एक लग गया, वैसे ही दूसरा पैड हम लगाएंगे। और दोस्तों ऐसे ही हम इसमें भी सिलाई लगा लेंगे। तो दोस्तों ऐसे ही लगा ली सिलाई हमने, अब आप देख सकते हैं ये पैड हमारे ऐसे लग गए। दोस्तों देख सकते हैं पैड ऐसे हमारे लग चुके हैं ये। अब हमें करना क्या है, अब हमें जो इसका ऊपर वाला पर्त है बिल्कुल वैसे ही लगे जैसे यानी कि ब्लाउज काट के हम लगाते हैं। दोस्तों अब इसमें भी हम एक एक प्लेट डाल लेंगे दोनों साइड में, जैसे उसमें डाली वैसे इसमें भी डाल देंगे। लहंगा वाला है इसलिए थोड़ा मोटा है, मोती भी है नीचे इसलिए हिसाब से सिलाई लगाएं। तो दोस्तों इसमें दोनों साइड में हमने प्लेट डाल दी, प्लेट डालने के बाद अब हमें यहाँ पे भी प्लेट डालनी है, यहाँ पे भी प्लेट डालनी है।
ऐसे ही वहाँ भी डालने, यानी जैसे हमने अस्थल वाले में प्लेट, अस्थल में प्लेट डाली थी वैसे ही इसमें भी प्लेट डालेंगे, सेम सेम टू सेम वैसे ही डालनी है। ब्लाउज काटना है बिल्कुल सादा ब्लाउज तरीके से काटा जाता है ऐसे भी जी। आपको हमने एकदम सबसे बेहतरीन तरीका बताया, ऐसा तरीका आपको कोई भी नहीं बताएगा जो तरीका हमने आपको बताया है। दोस्तों प्लेटें पड़ने के बाद अभी करना क्या है, इसे ऐसे रखते हैं और इसके ऊपर इसे रखते हैं ऐसे करके, अब इसे ऐसे करके इस पर जमा लेंगे, चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे। दोस्तों देख सकते हैं तो दोस्तों देख सकते हैं अब हम इसमें सिलाई लगा देंगे ऐसे करके वैसे करके। तो इसे यानी कि पहले हम पलट के लगाएंगे सिलाई, क्योंकि इसमें बकरम पट्टी रख के लगाएंगे सिलाई गले में, तो गला हमारा एकदम अच्छे से बन जाएगा। तो दोस्तों यही था वीडियो, कैसा लगा आपको वीडियो? अगर अच्छा लगे से इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमने आपको पैड डालने की विधि बताई। धन्यवाद दोस्तों।